हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज के बारे में जो कि पिछले कुछ सालों में क्यूट PGLLM में आ चुके हैं, एंड साथ ही में कुछ न्यू केस लॉज भी डिस्कस करेंगे जिसके चांसेस है 2024 के एग्जाम में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 2021 के पेपर में से है। क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट इन। ऑप्शन है ओल्गा तेलगीज केस, मोहिनी जेन्स केस, यूनी कृष्णन्स केस या इंड्री केरला एजुकेशनल बिल। इसका देखो करेक्ट आंसर हमारा यूनी कृष्णन्स केस है। ऑल्दो मोहिनी जेन केस में भी एजुकेशन की बात हुई थी, पर यूनी कृष्णा केस में कोर्ट ने हेल्ड करा था कि हर बच्चे जो कि डिप्राइव्ड हो चुका है एजुकेशन से, उसके पास राइट आ जाता है इशू करने का रिट ऑफ मैंडमस अगेंस्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो कि इन राइट से मतलब एजुकेशन की राइट से डिप्राइव्ड हो चुका है, तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए रिट ऑफ मैंडमस इशू करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस भगवती डिलीवर्ड अ मिनोरिटी ओपिनियन इन फेवर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन। केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस या सज्जन सिंह केस। ये चारों ही केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनर्वा मिल्स केस। और तो आपको सारे केस की नॉलेज होनी चाहिए कौन सा केस किसके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कंफर्म्ड एक्सप्लिसिटली that a treaty to which Her Majesty's government is a party does not alter the law of United Kingdom. इसका करेक्ट आंसर हमारा J.H. Rayner versus Department of Trade and Industry. Next question. Using the codes given below, indicate chronologically sequence in which following judgments were delivered by International Courts of Justice. ऑप्शन से हमारे राइट ऑफ पैसेज केस। अब राइट ऑफ पैसेज केस जो है वो 1960 में हुआ था और केस का टाइटल पोर्टुगल वर्सेस इंडिया, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ यूएस नेशंस इन मोरक्को, ये हुआ था 1952 में। फिर हमारा रिपैरेशन केस हुआ था 1949 में। रिपैरेशन बेसिकली एड्रेस किया गया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स कैसे अफेक्ट हो रही है और क्या विक्टिम को हम कॉम्पनसेशन या बेनिफिट दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारा टेंपल ऑफ प्रया विहार, ये हुआ था 1954 में। ये बेसिकली कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ था और इसमें कंबोडिया जीत गया था कि उसके अंडर ये पड़ता है टेम्पल, राइट? तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ, सबसे पहले हमारा आएगा रिपैरिशन केस, फिर आएगा राइट्स ऑफ यूएस नेशंस, फिर आएगा हमारा टेम्पल वाला केस, एंड देन आएगा हमारा पैसेज केस। तो CBDA। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ये भी केस लॉज पे ही बेस्ड है। पहला है डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, ये हुआ था EC आर्बिट्रेशन कमीशन इन योगोस्लाविया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ये हुआ था हमारा इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क जर्मनी। नेक्स्ट है एक्विंसिस, ये हुआ था टेंपल ऑफ प्रे विहार में। फिर कस्टम्स, कस्टम रिलेटेड है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस आर्बिट्रेशन वॉज नॉट यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इसका करेक्ट आंसर है इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लुजाने। इस ट्रीटी में बेसिकली रिकॉग्निशन मिली थी टर्की के मॉडर्न स्टेट्स की बाउंड्रीज को सेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट केस इन विच अ चेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हर्ड अ केस वॉज। तो फर्स्ट केस सुना था गल्फ ऑफ मरीन केस के ऊपर। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट इन अ केस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, टी सरिता वर्सेस टी वेंकेता सुबिया।
तो सेक्शन 9 ऑफ एचए में हमारा बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। तो इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्जुगल राइट्स जो है हमारे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते वापस आने के लिए। लेकिन आगे चल के इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया था। क्या मुझे कोई बता सकते किस जजमेंट में ये ओवर रूल हुआ था? तो आप वीडियो पॉज करके पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कौन से केस में ये ओवर रूल होके फिर से सेक्शन 9 इफेक्टिव हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन 1984। इसके बाद से सेक्शन 9 को अपहेल्ड कर दिया था एक लार्जर बेंच ने और सेक्शन 9 अभी तक इफेक्टिव है। नेक्स्ट केस में चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मदर कैन बी नेचुरल गार्जियन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फादर इन द केस ऑफ विशाखा केस, मंगला प्रसाद केस, गीता हरि हरण केस, हनुमान प्रसाद केस। तो इसका करेक्ट आंसर है गीता हरि हरण केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज इंडस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बैंगलोर वाटर सप्लाई। तो बैंगलोर वाटर सप्लाई जो एक लैंडमार्क केस है जिसमें क्लैरिफाई किया गया था कि इंडस्ट्री किस किस चीज में आती है, और एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्म किया गया था जिसको जिसके बेसिस पर हम चेक करते हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री है या नहीं है। इस केस का पूरा नाम है बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। नेक्स्ट केस है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अलाउइंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेमेन टू प्रूव अ वर्जिनिटी अमाउंट्स टू वॉयलेशन ऑफ अ राइट्स टू प्राइवेसी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सुरजीत सिंह ठिंड वर्सेस कनवलजीत कौर। 2021 से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम फॉर कंसिडरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। इसका करेक्ट आंसर है टी सरिता वर्सेस वी वेंकटा सुब्बा। अब हमारे पास 2022 के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा मैच द फॉलोइंग है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। अब ये जो केस है पर्टिकुलर, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है और बहुत बारी पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चंस में, तो ये आप याद रखना, ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये हमारा रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो बी का हो गया 4। नेक्स्ट है समीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा रिलेटेड है मरीन पॉल्यूशन से, तो ये हो गया C1। और लास्ट हमारा वेलोर सिटीजन्स फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, हमारा रिलेटेड है टैनरी से, तो डी हो गया 2। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ दीज जजमेंट्स डज नॉट डील विद ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस? इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेनेशन 2 to section 375 of IPC was read down in which case? सबसे पहले मुझे कोई ये बताएगा कि section 375 IPC क्या है? Yes, rape से deal करता है section 375, और explanation number 2 to section 375 deal करता है consent से। तो ये हमारा केस हुआ था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो ये 2022 के थे, अब 2023 का आ गया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द फेमस केस ऑफ हैडले वर्सेस बैक्सेंडल 1854 इज रिलेटेड टू? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट राइट, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा In which case it was observed for the first time by Supreme Court that quality is anesthetic to arbitrariness? ये हमारा डील हुआ था
ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड विद ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नाइन्थ शेड्यूल केस। ये तो सबको पता होगा, आई आर सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 2023 वाले भी, तो ये भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट डील विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज बाइबल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका करेक्ट आंसर है हमारा इन री दिल्ली लॉ एक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच केस इज नॉट रिलेटेड टू राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो जोगेंद्र कुमार करता है, डी के बासु करता है, अनीश कुमार करता है, तो हमारा लास्ट बचता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये मुझे कोई बता सकता है ये किससे रिलेटेड है? ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जो कि डील करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रीन से। जब आप डेथ पेनल्टी किसी को देते हो तो उस केस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी किसी को दी जा सकती है, तो ये केस उससे डील करता है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टेट्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू पब्लिश चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट्स ऑन स्टेट्स वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस। ये अभी रिसेंट जजमेंट में पास हुआ था, सौरव दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि रिसेंट जजमेंट है। और ये कहता है कि अगर चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते एफआईआर के लिए, इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसे स्टेट वेबसाइट में पब्लिक एक्सेस के लिए पब्लिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में प्राइस कोर्ट्स जो हमारा डील करता है जमोरा केस से, अजाइलम डील करता है कॉर्फू चैनल केस से, एक्स्ट्राडिक्शन हमारा डील करता है केस्टोनी से, एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ डील करता है पेग्विट हबाना केस से। यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम कुछ करंट केस लॉ के बारे में बात करते हैं जिसके चांसेस है 2024 के पेपर में आने के। तो हमारा पहला केस लॉ इसमें है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली पैसिव यूथनेशिया से डील करता है। तो पहले जो ये प्रोसेस होता था पैसिव यूथनेशिया का, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से होता था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी है कि जो इल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं बनाया जाएगा, उन्हें थोड़ा आसानी हो जाएगी ये प्रोसेस मिलने में। और जो लिविंग विल ये सब का कॉन्सेप्ट था उससे भी डन अवे कर दिया गया है। नेक्स्ट केस है हमारा कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। तो ये बेसिकली हमारा डील करता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ स्टेट्स के अगेंस्ट नहीं लाया करता, पर जो नॉन स्टेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी लाया करता है। और ये 5 जजेस ने पास किया था 4:1 के रेशियो में। और इसमें बोला गया था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ कर्टेल किया गया है। और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसके बाद इसमें कुछ और एड ऑन नहीं होगा, इंक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव है, जितना दिया उतना ही होगा और न्यू रिस्ट्रिक्शंस इसमें एड ऑन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारा एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड एंड अदर्स। ये केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है वैलिडिटी ऑफ एन अनस्टैम्प्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो पहले क्या होता था कि अगर स्टैम्प नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो उस पर एक जजमेंट आई थी कि वो इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये सेवन बेंच की जजेस बैठी जिसने उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है। और ये बोला कि भले ही अनस्टैम्प्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होते हैं वो
इनएडमिसिबल होते हैं, लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होते, मतलब वो स्टार्टिंग से ही वॉइड नहीं माने जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि वो अनस्टैम्प्ड है, इसलिए वो इफेक्टिव तो रहेंगे। ये जो डिफेक्ट है ये क्योरेबल डिफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा री आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, ये आगे भी बहुत सारे लॉ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल कर दिया था कि 370 को हम रिमूव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया है वो सही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। तो ये जजमेंट को आप याद रखना क्योंकि ये बहुत बड़ी पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जाम्स में, क्यूट के अलावा भी। और आज का हमारा लास्ट केस है सुप्रियो अलास सुप्रिया चतुर्वेदी वर्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, आगे भी बहुत बड़ी पूछा जाएगा, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन डिनाई कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया लीगली। तो आज के लिए बस इतने ही केसेस है, अगर आपको और लेटेस्ट लैंडमार्क केसेस समझना है या और आपको चाहिए कि और केसेस इस पे आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं और सारे केसेस भी लाऊं आपके लिए। थैंक यू सो मच।